नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी है, NDTL, CRR, SLR क्या होते हैं, ये असमंजस में है आपको और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, आज आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं NDTL क्या होता है, और चूँकि CRR और SLR जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो NDTL के ब्याह पर ही किए जाते हैं, इसीलिए NDTL को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए एक एक से हम ये तीनों टर्मोलॉजी को समझते हैं और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ब्रश ले लेता हूँ, एक मिनट, ठीक, ओके। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लायबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये एक बैंक है, ध्यान से समझिएगा, ये एक बैंक है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे कस्टमर और कंपनी इस बैंक में जो है पैसा जमा करते हैं, ठीक है, करते हैं। बहुत सारे कस्टमर अपनी जो है डिपॉजिट करते हैं, इधर बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, और कंपनी डिपॉजिट करती है, कस्टमर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन्हीं कस्टमर और कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में, अब बैंक भैया इनसे डिपॉजिट ले रहा है तो इनको इंटरेस्ट भी दे रहा है परसेंटेज में, ठीक है। तो अब इस कैश को वो खाली तो पड़े नहीं रहने देगा बैंक के अंदर के, चलो अलमारी में पड़ा हुआ है बैंक में, नहीं, इस कैश को जो है ये जो बैंक है वो कई कस्टमर को लोन के रूप में उधार दे देता है, और कई कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी को भी उधार दे देता है लोन के रूप में, समझिएगा। अब देखिए, बैंक जो है यहाँ से परसेंटेज में पैसा चार्ज करता है, क्योंकि इसने जो है इनको जो है उधार कर्ज दिया है, तो ये जो कंपनी है और कस्टमर है वो इनको ब्याज भी देंगे साथ साथ, जितना पैसा दिया है उतना तो पैसा वापस ही करेंगे ये लोग, MNC और कस्टमर जो लोन लिया है, और ब्याज भी देंगे, और इधर ये कस्टमर है ये डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक इनके पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, तो बैंक इनको ब्याज देगा इनके पैसे पे, ठीक है। तो देखिए, कस्टमर का जो डिपॉजिट आया है, यहाँ पे मैं दूसरा पेज लेता हूँ, देखिए, बैंक के पास कस्टमर का जो डिपॉजिट आया है, ये डिपॉजिट आए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पैसा आज तो चलो इस बैंक ने ले लिया, लेकिन आगे चल के ये वापस करना है ना, तो ये बैंक की लायबिलिटीज हो गई। लायबिलिटीज मतलब आपको फ्यूचर में ये पैसा वापस करना है। तो कस्टमर ने डिपॉजिट किया, कंपनी ने डिपॉजिट किया बैंक में, और बैंक इसको भविष्य में आगे वापस करेगा, तो बैंक के लिए ये लायबिलिटीज हो गई, मतलब ये बैंक का पैसा नहीं है, ये उनको देना होगा आगे जाके, तो ये बैंक की लायबिलिटीज हो गई। और वहीं जो कस्टमर और कंपनी, इनको जो लोन दिया है, लोन दिया है बैंक ने, तो बैंक ने इनको लोन तो दे दिया, लेकिन भविष्य में ये पैसा बैंक के पास वापस आएगा ना विथ इंटरेस्ट के, तो बैंक के लिए ये जो पैसा है वो तो हो गई एसेट्स, बैंक की पूंजी हो गई ये बैंक की, जो कैश फॉर्म में वापस लौटेगी, और ये जो है ये बैंक को वापस करना है पैसा, तो ये लायबिलिटीज हो गई, ये वापस दे रहा है बैंक को, ठीक है, समझ आ गया आपको, ओके। एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं डिमांड और टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए, बैंक के पास पैसा दो प्रकार से आता है, ये बैंक है,
इसके पास जो पैसा आएगा वो दो प्रकार से आता है। देखिए, एक कोई कस्टमर होगा जो करंट अकाउंट में पैसा जमा करेगा, एक सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेगा, ठीक है। तो ये जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट में आएगा। डिमांड डिपॉजिट क्यों भाई? क्योंकि कस्टमर किसी भी समय बैंक के पास जाकर बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि भैया हमें हमारा पैसा विड्रॉ करना है, बैंक मना नहीं कर सकती। तो बैंक के लिए ये डिमांड डिपॉजिट है। अब बात आती है जो एफडी होता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, या अदर होते हैं। तो ये जो है डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में आएंगे। टाइम डिपॉजिट में कैसे? इनका देखिए एक फिक्स टाइम होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है। तो तब तक ये कस्टमर एफडी में जो पैसा जमा किया है और जो एफडी का समय है 6 महीने 1 साल, उससे पहले जो है कस्टमर बैंक से पैसा नहीं मांग सकता। ये एक निश्चित टाइम पर ही विड्रॉल होगा। तो बैंक के लिए ये टाइम डिपॉजिट हो गए। एक पर्टिकुलर टाइम पे आके जो है ये कस्टमर पैसा मांगेगा। और लेकिन ये वाला जो है वो डिमांड डिपॉजिट है, ये किसी भी समय आप मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आज 1,000 रुपये जमा किया अपने खाते में, आपको ज़रूरत पड़ी आप शाम को ही चले जाओगे, कल ही चले जाओगे, तो ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। आपने डिमांड की और बैंक ने आपको दे दिया। लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या होगा कि 6 महीने का है तो 6 महीने से पहले आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट क्या हो गए, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के थ्रू जो पैसा जमा करते हैं आप, उसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। और टाइम डिपॉजिट क्या हो गए, फिक्स डिपॉजिट और आरडी, इनके थ्रू जो पैसा जमा करते हैं वो हो गए टाइम डिपॉजिट। एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आप ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट आपको समझ में आ गया, ठीक है, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। चलिए अब देखिए, ये बैंक है, ये बैंक है। तो जो करंट अकाउंट के फॉर्म में पैसा आया, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में आया, एफडी के फॉर्म में आया, आरडी के फॉर्म में आया, या कोई सर्टिफिकेट ऑफ कैश के फॉर्म में आया, तो ये जो है टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हो गई। टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, देखिए डिमांड लायबिलिटीज क्या हो गई बैंक की, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू जो पैसा आया। और टाइम लायबिलिटीज मतलब एक निश्चित समय पर पैसा वापस करना है बैंक को, कस्टमर को। तो ये टाइम लायबिलिटीज में आ गए, ये दोनों डिमांड लायबिलिटीज में। अब टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या हो गए, सभी को ऐड कर दो, जो सब हर सोर्स के जरिए जो पैसा आया बैंक के पास, जो फ्यूचर में बैंक लौट आएगा इन लोगों को। तो ये हो गए टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। अब हम समझते हैं, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज समझ लिया, अब हम समझते हैं नेट डिमांड टाइम एंड लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ये क्या होता है, अब समझ गया। देखिए मान लीजिए ये बैंक है, इसके पास डिफरेंट सोर्स से, मतलब सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, आरडी, इनसे जो है पैसा आया मान लो 1,000 करोड़, ये बैंक में पैसा आया, ठीक है, जो कि बैंक वापस करेगा बाद में। अब जो है इतना जो पैसा आया है उसमें से मान लो बैंक 50 करोड़ रुपए इसी फॉर्मेट में किसी दूसरी बैंक में जमा कर देती है, ठीक है। मान लो 1,000 करोड़ रुपए आया बैंक के पास, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी के फॉर्म में 1,000 करोड़। अब 1,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ मान लीजिए जैसे बैंक के पास पैसा आया उसी फॉर्म में बैंक ने दूसरी बैंक में ये पैसा जमा कर दिया और उससे कह दिया आप हमें इंटरेस्ट दे देना, आप ये पैसा जमा कर लो और यूज कर लो आप, ठीक है। अब बैंक के पास जो पैसा बचा
बैंक के पास जो पैसा बचा 1000 करोड़ माइनस 50 करोड़, तो बचा 950 करोड़ रुपए। तो ये नेट डिमांड इन टाइम लाइबिलिटीज हो गई, समझ आया आपको। अब 950 जो नेट डिमांड इन टाइम लाइबिलिटीज है, इसको वो किसी भी फॉर्म में यूज करे, वो चाहे तो लोन बांट दे या किसी को विड्रॉल दे दे, ठीक है, वो कोई भी यूज कर सकती है। लेकिन जो 50,000 करोड़ जो दूसरी बैंक में जमा कर दिया है इस बैंक ने, वो माइनस हो जाएगा, 950 करोड़ ही बचेगा। तो टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कितनी थी? 1000 करोड़। लेकिन नेट निकालेंगे तो जो दूसरी बैंक में पैसा जमा कर दिया उसे माइनस कर देंगे, तो 950 करोड़ जो है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज NDTL हो गया ये, ठीक है। आई होप NDTL का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो NDTL आपकी क्लियर है। NDTL क्या है? टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, मतलब माइनस और जो अदर बैंक में पैसा जमा कर दिया है वो, बराबर आ जाएगा आपका NDTL, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, NDTL का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, तो अब हमको समझना है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि कैश, आगे जो कैश रिजर्व रेशियो है, SLR है, जो सारी चीज़ें हैं वो आपके जो है NDTL पर ही वो जो है उनकी कैलकुलेशन की जाएगी। जो रेशियो निकाला जाएगा वो NDTL के ब्याह पर निकाला जाएगा। एक और बात आप ध्यान रखिए, NDTL जो होता है वो पर डे बेसिस पे काउंट होता है, ठीक है। बैंक का जो NDTL है वो पर डे बेसिस पे काउंट होता है, सुबह मॉर्निंग में जब से बैंक ओपन होती है वो शाम को जब तक क्लोज होती है, उस ड्यूरेशन का जो डिपॉजिट होता है और उसमें से जो अदर पैसा दूसरी बैंक में जमा कर दिया जाता है, तो जो बचता है वो नेट एंड डिमांड टाइम लाइबिलिटीज होता है, वो पर डे बेसिस पे काउंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CRR क्या होता है। देखिए, अब CRR जो होता है वो NDTL का ही परसेंटेज है। जो आपका NDTL है, NDTL इसका कुछ परसेंट होता है। कितना होता है? मान लीजिए अभी मान लो 4% चल रहा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है कि CRR इज दैट रेशियो ऑफ द NDTL ऑफ बैंक विच अ बैंक हैज टू नेसेसरीली कीप विद द सेंट्रल बैंक। मतलब NDTL मान लीजिए 950 करोड़ रुपए आया, ठीक है। तो इस जो CRR है वो RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है कितना है। तो 4% मान लो, तो 4% डिवाइड बाई 100, तो जितना आएगा उतना पैसा, 4% पैसा हर कमर्शियल बैंक, जो जैसे कि मान लो SBI है, वो RBI के पास अपना रखेगी। ये कंपलसरी है, ठीक है। NDTL का 4% जो CRR है, वो CRR कैसे काउंट होगा? वो NDTL पे काउंट होगा। तो NDTL का मान लो CRR 4% है, तो NDTL मान लो 950 करोड़ रुपए है आपका बैंक का, तो उसका 4% जो है वो कमर्शियल बैंक, मतलब फॉर एग्जांपल SBI, वो रिजर्व बैंक के पास सेव करके रखेगी उसका 4% हिस्सा कैश का, ठीक है। तो जो हिस्सा कैश का RBI के पास रखा गया है कमर्शियल बैंक के द्वारा, NDTL का परसेंटेज निकाल के 4%, क्योंकि CRR 4% है, तो 4% NDTL का जो कैश है वो RBI के पास रखा जाएगा, उसे ही हम CRR कहते हैं। अब ये देखिए, जो CRR होता है वो जो है आपकी आपातकाल स्थिति में काम आता है वो CRR, ठीक है। और रिजर्व बैंक हमेशा उसको अपने पास रखती है कि कभी कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में उसके काम आ जाए, ठीक है। तो CRR पता चल गया, NDTL का कुछ परसेंट हिस्सा जो कमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखती हैं हमेशा। ये रिजर्व बैंक की तरफ से गाइडलाइंस है, ये कंपल्सरीली आपको जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और CRR कितने परसेंट होता है ये RBI के द्वारा टाइम टाइम पे डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए 4% अभी, तो NDTL मान लो आपका 950 करोड़ है, तो उसका 4% जितना निकलेगा वो आपको रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ेगा। उसके बाद जो बचेगा, मान लो 100% कैश है आपके पास, उसमें से 4% आपको CRR की फॉर्म में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। 96% बचा है, इसे आप यूज कर सकते हो बाकी कामों के लिए, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं, ये SRR नहीं है, ये SLR है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, SLR, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, ठीक है, SRR नहीं है, ये गलत है। चलिए अब SLR क्या होता है, देखिए ये भी SLR का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में ही चलता है, उसमें जो है RBI कुछ परसेंट डिसाइड करती है कि आपको NDTL का कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास ही रखना है सेफ करके, समझ रहे हैं। देखिए CRR में हमने डिस्कस किया था, CRR में कि 4% NDTL का 4% RBI के पास रखना होगा हर बैंक को, लेकिन जो SLR है वो कुछ परसेंट NDTL का कुछ परसेंट हर बैंक, मान लो SBI है तो वो SBI अपने पास ही रखेगी, इटसेल्फ अपने पास ही सेफ करके रखेगी, वो RBI के पास सेफ नहीं करना है। CRR जो है RBI के पास सेफ करके रखना पड़ता है, लेकिन SLR खुद बैंक अपने आप में ही सेफ करके रखती है। SLR कितना होता है ये टाइम टाइम पर जो है RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब CRR जो होता है वो कैश की फॉर्म में होता है, लेकिन SLR क्या होता है, SLR को आप जो है चाहे आप कैश की फॉर्म में रख सकते हैं अपने पास रिजर्व, चाहे आप गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं अपने पास रिजर्व, चाहे आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हैं लाइक बॉन्ड वगैरह, ठीक है, या फिर तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके SLR आपको पूरा करना पड़ता है, चाहे एक फॉर्म में रख लीजिए चाहे तीनों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा वो कर लीजिए। मान लीजिए SLR जो है RBI के द्वारा डिसाइड किया गया है 20.75%, मान लो, ठीक है, इतना तो जो 100% आपके पास NDTL है, NDTL तो उसमें से जो है 4%, देखिए 100% जो NDTL है मान लो आपके पास, उसमें से 4% तो चला गया CRR आपका, और 20.75% चला गया आपका SLR जो आपको अपने पास रखना है, ये आपको खुद के पास रखना है, ये RBI के पास, ठीक है। अब जो बचेगा वो आपको अपने लिए यूज करना है, और ये जो SLR है, ये SLR है वो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हो, या तीनों का मिक्सर करके रख सकते हो, ठीक है, ये समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए इसका पर्पस बताता हूं, द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द रेशियो इज दैट ऑन द वन हैंड इट इनेबल द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एंड ऑन द अदर हैंड टू हैव इनफ केस लाइक अदर बैंक। जैसे कि मान लीजिए, एक और चीज आपको बताता हूं मैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो कमर्शियल बैंक से बोरो करती है अपने बॉन्ड बेच के, बॉन्ड जो है SBI को देती है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड जो है मान लो कमर्शियल बैंक को दे देगी, और कमर्शियल बैंक बदले में उसको पैसा दे देंगी, तो एक तो गवर्नमेंट का ये मोटो होता है कि हमें कमर्शियल बैंक से बोरो करना पड़ता है, तो हम जो है कमर्शियल बैंक से ये SLR सेट करने को कहेंगे, तो SBI के कमर्शियल बैंक के पास जो है सिक्योरिटी की फॉर्म में कैश रखने में और ज़्यादातर कैश उपलब्ध रहता है तो हमारे काम आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कमर्शियल बैंक से कैश लेती है बॉन्ड दे के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे के, ठीक है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देते हैं उनको लेने से SBI या कमर्शियल बैंक मना नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि सरकार कह रही है। और दूसरा पर्पज है कि SBI को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में SLR जो है सेफ करके रखना पड़ता है, तो दोनों के काम चल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया, और गवर्नमेंट बोरो करती है तो इनफ कैश अवेलेबल रहता है कमर्शियल बैंक के पास, तो इसलिए ये जो है SLR जो है हर बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो कि मान लो 20.75% है, ठीक है, ये टाइम टाइम पे RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो और SLR ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, और हमने NDTL डिस्कस किया, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो
तो इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टर्मिनोलॉजी और कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।